बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। उम्मीद है कि हर किस्म की रुकावट और बंदिशों के बावजूद ये आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी तो सुन लेते हैं, इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए थोड़े मसाइल हैं, इंटरनेट स्लो डाउन, VPN बंदिश और अब तो माशाल्लाह से फतवे भी आ गए हैं, तो थोड़े से मसाइल रहेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक ये आवाज़ पहुंचती रहे जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। कल किसी ने ट्विटर के ऊपर लिखा था कि आप जरिया रोक सकते हैं लेकिन नज़रिया नहीं रोक सकते। तो जो लोग एक ख़ास नज़रिए के साथ चल रहे हैं, उन लोगों तक मालूमात पहुंचना या उन लोगों को मालूमात तक जाना, ये रोकना मुश्किल है। इसलिए ज़रिया तो रोका जा सकता है, लेकिन जो लोग एक नज़रिए के साथ खड़े हैं उनको उस नज़रिए से हटाना शायद थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एनीवेज, बहुत सारे लोग कमेंट्स में बताते हैं आपकी वीडियो प्ले नहीं हो रही, वो बफरिंग चलती रहती है उसकी और प्ले नहीं होती। आई नो ये कोई आज से नहीं है, जब से फायरवॉल वाला सारा मामला हुआ, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ है जो आप लोगों तक फैक्ट्स पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, इसका कोई ना कोई काउंटर सोल्यूशन जब तक नहीं आता तब तक आप ज़रा ऐसे ही गुजारा कीजिए। अब बात करते हैं ज़रा मुल्की सियासी सूरत हाल की। इमरान खान की रिहाई के लिए फैसला साजों पर दबाव अब बढ़ने लगा है। एक तरफ इमरान खान का इस्लामाबाद मार्च, दूसरी जानब एक ही दिन में अमरीका और बरतानिया से खतूत आ रहे हैं जिनमें वाज़े अल्फाज में इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया है। और पहली बार किसी मुल्क के वजीर खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले में अपनी राय का इजहार किया है। यह पहली दफा हुआ है कि एक मुल्क का, एक ताकतवर मुल्क का वजीर खारजा इस सारे मामले पे बता रहा है। वो ख़त भी सामने आ चुका, उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। बयक वक्त कैनेडा, अमेरिका और बरतानिया की पार्लियामेंट से मुसलसल इमरान खान के लिए आवाज़ें आ रही हैं, हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। कभी इधर से ख़त आ रहा है, कभी इधर से सैनिटर्स बोल रहे हैं, कभी उधर से अरकान पार्लिमान, MPs, ये सारे लगे हुए हैं। और आज जो पेशरफ्त हुई है उसके बाद हुकूमती हलकों में हलचल सी नज़र आ रही है, बल्कि पहले से जो ट्रेल चलती आ रही है उसने हलचल मचाई थी। आज तो अमरीका बरतानिया से इकट्ठा ये सारा कुछ हो रहा है। और आज मैंने देखा TV चैनल्स के ऊपर फरमाइशी किस्म का रद्देमल भी सुनाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। ये चीज़ होती है, जो लोग आप देखना सुनना चाहते हैं उसकी एक्सेस रोकी जा रही है, और जो आप नहीं देखना चाहते या जो बयानियाँ जिसके साथ आप स्टैंड नहीं करते, वो चीज़ें आप लोगों तक डेसिमिनेट की जा रही हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोशिश जारी रखेंगे। तो इस पर थोड़ा सा तफसील से बात करूंगा व्लॉग के अगले हिस्से में कि ये ख़त कहाँ से आए, क्यों आए, उसके ऊपर इमरान खान का नाम ले लेकर क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। पहली मर्तबा एक ताकतवर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा सा जिक्र कर लेते हैं इमरान खान से मुतालिक अदालती स्टेज से आने वाली कुछ अहम डिवेलपमेंट्स, कुछ अहम ख़बरें, वो भी एक ऐसे माहौल में जब अदलिया कंट्रोल नज़र आ रही है फिर भी जजेस के जो फैसले हैं वो पूरी अलग कहानी बयान कर रहे हैं। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों इमरान खान की 9 मई के वाक़यात में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से 4 केसेस में जमानतें मंजूर हुई थी। आज उन जमानतों का तहरीरी फैसला जारी हुआ जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है। शायद रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप तक ना पहुँचाओ तो मैं ये आपके सामने रख देता हूँ। उस फैसले में जज अरशद जावेद साहब ने 5 सफात का वो फैसला है, उसमें वजूहात लिखी हैं कि क्यों इमरान खान की जमानत मंजूर की जाती है। उसमें लिखा गया है कि इमरान खान 9 मई को गिरफ्तार थे, 11 मई को वो सुप्रीम कोर्ट आए और 9 मई के वाक़े की मजम्मत की और बयान दिया कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि इमरान खान जेल में है, पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने 1 साल तक उन मुकदमात को नहीं चलाया। आज तक इमरान खान के खिलाफ चालान तक पेश नहीं किए गए जिससे उन केसेस की संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और फिर लिखा कि इमरान खान को पुलिस ने ज़िमनी बयानात में नामज़द किया और पुलिस ने यह बयान दिया कि कुछ ऑफिशल्स ने सारी साजिश सुनी है, अपने कानों से सुनी है जब ये साजिश हो रही थी, मगर हैरान कुन तौर पर उन्होंने ये साजिश अपने आला अफसरान को नहीं बताई और ना ही रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ पेश की गई जिससे लगे कि साजिश की गई है। मुख्तलिफ ज़िमनी बयानात, मुख्तलिफ दावे, ये सारा कुछ सामने आया लेकिन किसी में साजिश का वक्त, जगह, तायुन कैसे हुआ ये डिटेल्स नहीं बताई गई। फैसले में लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन की ताखीर के बायस इमरान खान 9 मई के मास्टरमाइंड हैं या नहीं, इसका जायज़ा ट्रायल में तो लिया जा सकता है लेकिन किसी मुलजम को गैर मुइना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उनकी ज़मानत मंजूर की जा सकती है। अब अंदाज़ा करें कि कितने और लोग हैं जो बग़ैर ट्रायल के, यानी जिनका ट्रायल हुआ ही नहीं है और वो इतने टाइम से जेलों में मौजूद हैं। अदालतों को कवर करने वाले जो सीनियर साफ़ी हैं, मैं उनके ट्वीट्स देख रहा था, साकिब बशीर साहब ने अपनी ट्वीट में लिखा
कि इमरान खान के खिलाफ इन मुकदमात में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का जो फैसला है वो बहुत ही गैर मामूली और हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हुकूमत का पहले दिन से जोर था कि केस जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, फाइलें बहुत तगड़ी हैं, सबूतों से भरे हुए हैं, जज्बाती बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अदालतों पर इल्ज़ाम लगाए गए कि वो केसेस के फैसले नहीं कर रहे। हालांकि हुकूमत जिस इमरान खान को पहले दिन से मास्टरमाइंड कह रही थी उसके खिलाफ फाइल में केस आपकी सोच से भी ज़्यादा कमज़ोर और बचगाना है। 5 सफ़े का ये फैसला पढ़ने के लायक है, अगर यही है तो समझे कि कहानी ख़त्म है। अब ये तब तक चलेगा जब तक हाई कोर्ट के लेवल पर ये केसेस नहीं पहुंच जाते, और जिस दिन आला अदलिया में या हाई कोर्ट में ये केसेस पहुंच गए प्रोसिक्यूशन का पोल मज़ीद खुल जाएगा। तो इस तरह की पूरी कहानी है। दूसरी जाने बाद सबकी नज़रें इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की तरफ भी थी, क्योंकि मुमकिन तौर पर इमरान खान पर GHQ हमला केस में आज फर्दे जुर्म आयद होना थी। 16 नवंबर है ना, तो आज तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज फिर फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी और इमरान खान समेत 125 मुलजमान पर फर्दे जुर्म आयद होने का मामला जो है वो मौखर हो गया। तीसरी मरतबा ये मौखर हुआ है और जज साहब ने यह कार्रवाई गालबन 25 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। बहुत सारे लोगों की नज़रें इसी केस पर जुड़ी हुई हैं और इसी केस से उनको लगता है कि बस इमरान खान मिलिट्री ट्रायल की तरफ ये उनका आखिरी धक्का होगा जिस दिन फर्दे जुर्म आयद हो गई, लेकिन इतना आसान शायद अभी भी नहीं है। तो ये मामलात आगे मौखर होते जा रहे हैं। उधर से इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल, इधर 25 नवंबर तक केस मुलतवी हो गया। और आपने देखा होगा अक्सर जब अली अमीन गंडापुर ज़रा करते हैं कि जनाब हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो अचानक से आपको असला बरामदगी और शराब बरामदगी वाले केसेस देखने और सुनने को मिल जाते हैं। और करीब करीब ही, मतलब जिस दिन उनका मार्च हो उसे एक आध दिन पहले या आगे पीछे उनकी तारीखें पड़ जाती हैं। तो ये सिचुएशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी, उस बारे में भी आपको अपडेट करूँगा। अब आ जाएँ ज़रा उस मामले की तरफ जिसका आगाज़ में मैंने जिक्र किया। एक ही दिन अमरीका और बरतानिया से इमरान खान के हक़ में उनकी रिहाई के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। आइडियली अगर मैं देखूँ तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन इसलिए नहीं है कि हम किसी दूसरे मुल्क की तरफ देखें कि अमेरिका से कोई आवाज़ उठे या बरतानिया से कोई आवाज़ उठे और वो इंटरवीन करें, अगर आइडियल सिचुएशन की तरफ देखूं। लेकिन इमरान खान और उनके हामियों को ये लगता है कि पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को इस कदर कमज़ोर कर दिया गया है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इस कदर रिपीटेडली हो रही हैं कि और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा कि हम आलमी सतह पर आवाज़ अपनी बुलंद करें। तो ये उनका राइट है जो वो कर रहे हैं। इसके लिए हुकूमती सतह से आवाज़ आती है कि वो इन्होंने डॉलर्स लगा के लॉबियस्ट हायर कर लिए। तो ये लॉबियस्ट तो हर जगह पे काम करते हैं, ये तो हर हुकूमत में, ऑपोजिशन में, हर जगह पे ये एक रियलिटी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये नहीं है। फिर बाद जगह कुछ एग्रीमेंट जो है वो फेक किस्म के वो भी जारी कर दिए जाते हैं कि देखें इन्होंने ये लॉबियस्ट हायर किए। एनीवेज ये कहानी एक बिल्कुल डिफरेंट है, इसके ऊपर बाद में बात करूंगा। अभी जो आज की पेशरफ्त है वो ये दो पेशरफ्त है। पहली ये एक खबर तो आई कि अमरीकी कांग्रेस के 46 अरकान ने एक बार फिर, जी हाँ एक बार फिर, इमरान खान की हिमायत में जो बाइडन को ख़त लिख दिया। अब तो खैर वो वैसे ही जाने वाले हैं, उनको ख़त लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि कांग्रेस के लोग जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से भी है, डेमोक्रेटिक पार्टी से भी है, उन्होंने पहले भी ख़त लिखा और एक बार फिर उन्होंने ख़त लिख दिया कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें की जाए। मतलब उन्होंने वो मुतालबा अपना दोहराया, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनका जिक्र किया गया। लेकिन इसके ऊपर भी मैं बाद में आता हूँ। जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज के दिन अब से कुछ देर पहले हुई है वो है बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का ख़त। ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी मुल्क के, किसी अहम मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने इस तरह ये ख़त लिख के इस चीज़ को एड्रेस किया है, और उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट के लिखे गए ख़त के जवाब में ये ख़त तहरीर किया है। और उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि वो इस सारी सूरत हाल को जो पाकिस्तान में तेज़ी से डेवलप हो रही है इसको बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, और ख़त में बार बार इमरान खान की रिहाई और उनके मुमकिन मिलिट्री ट्रायल का जिक्र किया गया है, जिससे मुतालिक वो कहते हैं कि हम ज़रूरी राबते कर रहे हैं और राबतों में हैं। और इस सारे मामले में इमरान खान के जो एक तरह से एलान मस्क हैं जुल्फी बुखारी, वो बड़े पेश रहे हैं। असल किरदार उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे कोशिश करके अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, जैसे भी है, बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट के ज़रिए वहाँ की जो हुकूमत है उसको मुतहरिक करने की कोशिश की कि जनाब आप अपना किरदार अदा करें, जो कि आप लोग करते हैं ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए जो आपके साथ एग्रीमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उसके हवाले से आप कम अज़ कम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस चीज़ का बाकायदा जिक्र किया, क्योंकि उन्होंने अरकाने पार्लियामेंट जो है बरतानिया के, उनके ज़रिए मुतहरिक करने की कोशिश की थी हुकूमत को। तो पहली मरतबा वज़ीर ख़ारजा की सतह पर यह ख़त तहरीर किया गया है। दूसरी जानिब
जो अमरीकी अरकान कांग्रेस हैं उन्होंने जो दूसरी मरतबा ख़त लिखा है उसमें भी पाकिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक से मुतालिक जो शिकायात हैं उनका जायज़ा लिया गया। ईवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इकदाम करने की अपील की गई है कि पहले भी कहा गया था, एक करारदाद पेश की गई थी कि इसके ऊपर अमल किया जाए, और एक बार फिर इस ख़त के ज़रिए कहा गया है कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान समेत दीगर कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियाद पर इकदाम किए जाएँ या वकालत की जाए। ख़त के मदन में यह भी कहा गया है कि यूएन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी में इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। आपको याद है यूएन वर्किंग ग्रुप ने ये कह दिया है कि इमरान खान को जो गिरफ़्तार किया गया है वो इलीगल अरेस्ट में है, यानी उनकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी है और इंसानी आलमी हकूक जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी करार दी गई है यूएन के ग्रुप की जानिब से। अब अमरीकी कांग्रेस कह रही है कि उसी करारदाद के तहत उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। और फिर ख़त के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं उन पर भी सवालिया निशान उठाया गया कि उन इलेक्शंस के बाद इंसानी हकूक एक तरह से पामाल किए गए, पाकिस्तान की अहम सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ हरबों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसका भी इस ख़त में जिक्र किया गया और फिर कहा गया है कि इलेक्शन में खदशात से मुतालिक जो रिपोर्ट्स हैं हुकूमत ने उन्हें शाया करने से रोक रखा है। तो बानी पीटीआई इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को जो मुसलसल पाबंदी सलासल रखा गया है ये तशवीशनाक है और इस ख़त के ज़रिए आपसे मुतालबा किया जा रहा है, यानी कांग्रेसमैन ने ये मुतालबा किया अमरीकी इंतज़ामिया से कि वो इसके ऊपर अपना फौरी रद्दअमल भी दे और पाकिस्तान में मौजूद जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनके किरदार के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया गया है कि वो जो है वो बेहतर रद्दअमल नहीं दे सके। इस ख़त के जवाब में पाकिस्तान के जो हुकूमती शख्सियात हैं उनका रद्दअमल आने का सिलसिला भी जारी है और वो कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई देखें, पहले कहती थी अमरीकी मुदाखलत ना मंजूर और वहाँ से लेके अमरीकी मुदाखलत मंजूर तक का सफ़र कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बयानात हैं उनका सिलसिला जारी है, तनकीद हो रही है हर तरह से। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी अमरीकी सैनेटर्स ने जब ख़त लिखा था तो जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान ने जो हुकूमती अरकान थे इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा था कि आप जो जवाब दें इन सैनेटर्स को और आप कार्रवाई करें या जवाबी जो ख़त है वो तहरीर किया जाए, लेकिन अभी तक उसके जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कोई ख़त नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, क्या वजह हो सकती है कि अभी तक जवाब नहीं दिया गया? अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।